आज हम बनाएंगे पाइनएप्पल बनाना शीरा। बहुत ही क्विक और टेस्टी रेसिपी है, तो देखते हैं इसे कैसे बनाना है। हमें लगेगा 2 कप सूजी, 1 कप शक्कर, थोड़ा सा इलायची का पाउडर, आधा कप बारीक कटा हुआ पाइनएप्पल और थोड़ा सा केला। 3/4 कप घी ली है हमने, बारीक कटे हुए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लगेंगे। 3 से 4 कप पानी हमें उबालते हुए रखना है। 4 टेबलस्पून घी को हमें गरम करना है और फिर हम बारीक कटा हुआ पाइनएप्पल इसमें डाल के इसे अच्छे से भून लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 6 से 7 चम्मच शक्कर। हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, फिर पाइनएप्पल कैरामलाइज हो जाएगा। अब हम ये कैरामलाइज पाइनएप्पल साइड में रख लेंगे। बचे हुए घी को हम गरम कर लेंगे, फिर हम उसमें डालेंगे सूजी। हमें सूजी को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए केले के टुकड़े। जब आप इसे भूनोगे तो घी और केले का काफी अच्छा सुगंध आएगा। फिर हम इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कैरामलाइज किया हुआ पाइनएप्पल। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे उबलता हुआ पानी। थोड़ा थोड़ा कर कर डालना है हमें इसमें। हमने यहाँ पे इसमें 3.5 कप उबलता हुआ पानी डाला है और आप देख सकते हो कि कैसे सूजी फूल गया है। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और फिर हम डालेंगे हमारी बची हुई शक्कर। यहाँ पे हमने 1 कप शक्कर ली है। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो इसमें और थोड़ी शक्कर डाल दीजिए। फाइनली अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा इलायची का पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल रेडी है हमारा पाइनएप्पल बनाना शीरा। घी, पाइनएप्पल और केले की वजह से इसे काफी रिच फ्लेवर आया है। आप इसमें पाइनएप्पल का प्यूरी भी डाल सकते हो, पर पाइनएप्पल के पीसेस की वजह से इसे खाते समय बहुत ज्यादा मजा आता है। अब इस टेस्टी और आसान सी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। घर पे सभी को पसंद आएगी ये। इसे ट्राई कीजिए, आपका कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को हिट करें।